मित्रों नमस्कार, मैं हूं आशीष मौर्य आपके साथ और आप देख रहे हैं आरजी न्यूज। आरजी न्यूज में आपका स्वागत है। उत्तर प्रदेश के जिला बरेली के फरीदपुर में भारी गड्ढे को चलते हो रही है घटना, पलट रहे हैं बड़े वाहन। बताते चले सीतापुर हाईवे चलने वाले वाहन चालकों का कहना है कि सड़क परिवहन विभाग वाहन खरीदने पर विभिन्न टैक्स को तत्काल रूप से जमा कर लेता है, लेकिन वहीं पर हाईवे से गुजरते समय टोल टैक्स आदि भी वसूला जाता है, लेकिन हाईवे की दुर्दशा पर विभागीय अधिकारी का ध्यान नहीं दिया जा रहा है। इस कारण वाहन चालक राहगीर दुर्गत घटनाओं के शिकार हो रहे हैं। गड्ढों के कारण वाहन पलट कर क्षतिग्रस्त हो रहे हैं। बताते चले कि देर रात कटरा से बरेली की ओर जा रहे DCM फतेहगंज पूर्वी ओवरब्रिज से गुजरते समय गहरे गड्ढे के कारण पलट गई, जिससे चालक इस्लामी नगर कूद कर जान बचाई। यहाँ बरेली दूसरे ट्रक दोनों पट्टे टूटने के बाद टायर भी फट गए। पलटने से जो कई घंटों तक मिस्त्री के आने का इंतजार किया, इस वजह से जाम भी रहा, लेकिन जाम पर काबू पाना मुश्किल होता। वाहन चालकों का भी ये भी कहना है सड़क निर्माण कंपनी रोड की ओर ध्यान नहीं दिया जा रहा है, जिस कारण रोड की स्थिति जल्दी ठीक नहीं हो पा रही है। चालक सड़क निर्माण कंपनी की लापरवाही का खामियाजा भोग रहे हैं, जिससे राहगीरों में तीव्र रोष व्याप्त है। संवाददाता मनीष कुमार गुप्ता की एक रिपोर्ट, बरेली से मनोज सुरजीत की एक रिपोर्ट। हम सपनों को साकार करते हैं, देते हैं पंख आपके हौसलों को, दिखाते हैं राह उज्जवल भविष्य की। हम रखते हैं अरमानों की नींव, नींव शिक्षा की, ख्वाबों को हकीकत बनाने की, राष्ट्रीय चरित्र निर्माण की एकमात्र राह स्वामी विवेकानंद सुभारती विश्वविद्यालय, जहां शिक्षा एक जुनून है। एजुकेशन इज अ पैशन।